नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे चल मेरे भाई और बिच्छू फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते बिच्छू फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। बिच्छू सन 2000 में आई एक एक्शन थ्रिलर फिल्म थी। इस फिल्म में बॉबी देओल, रानी मुखर्जी, फरीदा जलाल, आशीष विद्यार्थी, मलाइका अरोरा, हंसराज हंस, सचिन खेड़कर और वीरेंद्र सक्सेना नजर आए थे। इस फिल्म को गुड्डू धनवा ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था और इस फिल्म की कहानी संतोष धनवा ने लिखी थी। इस फिल्म को कुल 300 स्क्रीन्स के साथ 7 जुलाई सन 2000 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 7 करोड़ 50 लाख था और इस फिल्म ने इंडिया में 10 करोड़ 70 लाख कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड़ 4 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 5 करोड़ 27 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 19 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म एवरेज साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.6 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 21वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वही बात कहीं म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक श्रीजॉय भट्टाचार्य ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 6 गाने थे, इसके सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम उस साल की 11वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम रही थी। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म सन 1994 में आई फ्रेंच एक्शन थ्रिलर फिल्म लियोन द प्रोफेशनल की हिंदी रीमेक थी। नंबर 2, उस समय इस फिल्म की बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी क्योंकि इस फिल्म में रानी मुखर्जी एक टीनेजर थी और उन्हें सिगरेट पीता हुआ दिखाया गया था। अब जानते चल मेरे भाई फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। चल मेरे भाई सन 2000 में आई एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म में संजय दत्त, सलमान खान, करिश्मा कपूर, दलीप ताहिल, सुषमा सेठ, शक्ति कपूर, रवि वसवानी, अनिल धवन, बीरबल, हिमानी शिवपुरी और सहवाज खान नजर आए थे। इस फिल्म को डेविड धवन ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था नितिन मनमोहन ने और इस फिल्म की कहानी इकराम अख्तर ने लिखी थी और इसके डायलॉग्स रूमी जाफरे ने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 290 स्क्रीन्स के साथ 5 मई सन 2000 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 14 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 11 करोड़ 65 लाख का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 1 करोड़ 9 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 5 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्डवाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 23 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया था। ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 4.7 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 16वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिन ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 8 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। इस फिल्म के साउंडट्रैक एल्बम उस साल की 15th हाईएस्ट सेलिंग एल्बम रही थी। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, ये फिल्म संजय दत्त और सलमान खान की साथ में दूसरी फिल्म थी। नंबर 2, ये फिल्म सलमान खान और करिश्मा कपूर की साथ में आखिरी फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने साथ में कभी काम नहीं किया। नंबर 3, इस फिल्म में ट्विंकल खन्ना, सोनाली बेंद्रे और नगमा ने कैमियो किया था। तो दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।